अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से गौतम अडानी की नेटवर्थ पर जो चोट लगी है उससे अडानी अब तक उभर नहीं पाए। इसी बीच अडानी और हिडनबर्ग जैसा एक और मामला सामने आया जिसमें हिडनबर्ग जैसी एक रिपोर्ट की वजह से हांगकांग की एक कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है। बता दें कि हांगकांग बेस्ट बिलियनियर को सिर्फ दो दिन में ही 670 मिलियन यानी कि 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का तगड़ा नुकसान हुआ है, जिसके बाद हर कोई इस मामले की तुलना अडानी ग्रुप से कर रहा है। दरअसल गुमनाम तरीके से ऑपरेट करने वाली शॉर्ट सेलर जेहोब सेफे रिसर्च ने टेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर अकाउंटिंग में धोखाधड़ी करने और मुनाफे में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद इस शेयरों में भारी नुकसान हुआ है। टेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को फाउंडर जर्मन बिलियनियर हॉस्ट जूलियस पुडविल है। शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट के बाद पिछले हफ्ते उन्हें $4 बिलियन का नुकसान हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि टेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के शेयरों में आई गिरावट नवंबर 2008 के बाद से ज्यादा है। वहीं शॉर्ट सेलर फर्म ने अपनी 60 पेज की रिपोर्ट में कहा है कि टेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में छेड़छाड़ करना एक दशक से भी ज्यादा समय अपने मुनाफे को नाटकीय तरीके से बढ़ा रही है। हालांकि अडानी ग्रुप की तरह ही टेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने भी शॉर्ट सेलर फर्म की रिपोर्ट के सिरे से खारिज कर दिया है, साथ ही शॉर्ट सेलर ग्रुप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं हांगकांग की कंपनी के आरोप खारिज करने के बाद कंपनी के शेयरों में कुछ रिकवरी देखने को मिली है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट की माने तो अब तक 78 साल के पुडविल की नेटवर्थ $4.4 बिलियन रह गई है, जिसके बाद वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 622 स्थान पर पहुंच गए। वहीं अगर बात इस शॉर्ट सेलर फर्म कंपनी की करें तो इसके पीछे के लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है। इसकी वेबसाइट के मुताबिक ये गुमनाम तरीके से संचालित होता है और खुले तौर पर व्यापार करने वाली कंपनियों पर फॉरेंसिक रिसर्च करता है। इसका कोई लिस्टेड फोन नंबर या पता नहीं होता और इसके ट्विटर पर केवल 3,000 फॉलोअर्स हैं। बहरहाल अडानी ग्रुप और टेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री शॉर्ट सेलर फर्म की रिपोर्ट की वजह से आए नुकसान से उभर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।